हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा रेलवे RPF की कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जिसके लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन में अप्लाई करने का डेट जो 1 जनवरी 2019 से शुरू होगा, इसके साथ साथ लास्ट डेट रहेगा इसका 30 जनवरी 2019। दोस्तों, एक मंथ के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, तो जो लोग चाहते हैं इस फॉर्म के लिए फिलअप करना, आप लोग वहाँ से जाके फिलअप कर सकते। फिलअप करने के लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगा, लिंक एक्टिवेट होंगे 1 जनवरी 2019। दोस्तों, इसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड जो है आप फरवरी 2019 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम डेट होगा 2019 मार्च में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के साथ साथ दोस्तों आंसर की भी अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते इस जॉब के लिए, आपको अगर आप जनरल एंड OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। उसके साथ साथ SC ST PWD फीमेल के लिए यहाँ पे 250 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि रिफंडेड अमाउंट आफ्टर स्टेज 1 एग्ज़ाम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है आपको यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरल OBC वालों के लिए आपको यहाँ पे आपको 400 रुपीज़ एंड SC ST PWD फीमेल के लिए 250 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वैकेंसी कितना है। दोस्तों, यहाँ पे 789 पोस्ट वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट है 18 एंड मैक्सिमम एज लिमिट 25। इसके साथ साथ रीजन नेम जो कि SR, SWS, SCR, ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड ECOR और नॉर्थ NFR के लिए यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे आपको SR साउथ रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे एंड SCR के लिए 35 एंड ECR, SCR एंड ECOR के लिए 271, NFR के लिए 33। इसके साथ साथ रीजन नेम जो है CR, WCR, WR एंड SECR के लिए 89, NR, NER, NWR, NCR के लिए 111, RPM मेल के लिए यहाँ पे 259 टोटल पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो क्या क्या आपको किस तरह के वैकेंसी आपको मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो है कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल सफाई वाला, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल बार्बर एंड कांस्टेबल माली, टेलर Grade 3, कॉबलर Grade 3। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करने के वक्त आपको यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के थ्रू आप रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू के बाद ही आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जिसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे हाइट मिनिमम जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 165 सेंटीमीटर फॉर जनरल OBC कैंडिडेट, 160 सेंटीमीटर फॉर SC ST, फॉर मेल एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर फॉर जनरल OBC कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे हाइट चाहिए फॉर फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेस्ट रहेगा 80 से 85 सेंटीमीटर फॉर जनरल OBC वालों के लिए, SC ST के लिए 76.2 से 81.2 तक आपको चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग जंप के लिए 9 फीट, हाई जंप के लिए 3 फीट एंड 800 मीटर रेस के लिए 800 मीटर रेस 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों, इसका एप्लीकेशन के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जिसको लिंक एक्टिवेट होगा 1 जनवरी 2019। आप लोग वेट करना पड़ेगा एप्लीकेशन करने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी मैं यहाँ पर डाउनलोड करके आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।